चंद दिन पहले चलने वाली आंधी ने हमारी छत पे क्या गुल खिलाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने चीलें उड़ती देखी होंगी, और मैंने देखा है कि चीलें बाकायदा मज़ा ले रही हैं हवा में झूलने का। और अभी इधर थी, और अभी शायद आपको भी उड़ती दिखाई देंगी। मैं मुकम्मल आसमान को ही फोकस कर रहा हूँ, और अभी मैंने देखा है चील को उड़ते हुए और बहुत एंजॉय करते हुए, जैसे पतंग होती है ना इस तरह। चलिए, जब तक वो आती है चील, तब तक ये जानवर पहचानिए ये कौन सा जानवर है जो बोल रहा है, इसकी आवाज़ सुन के ना पहचानिए। ये आवाज़, और अमरूद के शगुफे निकल रहे हैं छोटे छोटे, आप देख रहे होंगे, और ये फूल भी बिलाखल निकल आए हैं, देखें कितने खूबसूरत हैं ये। और अंगूर के जो पत्ते जर्द होकर गिर गए थे ना, उनकी जगह अब नए पत्तों ने ले लिए, ये देखें ज़रा नए पत्ते। चील अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो जानवर, वो कौवे हैं, वो कौवे उड़ के गए हैं। ये इस चिड़िया की आवाज़ मुसलसल आ रही है, ये सुन लीजिए, वाह। वो दूर परे चील थी, लेकिन वो परे की परे चली गई। अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता और इतवार का लॉकडाउन, और हम घर में हैं, तो ये देखिए पकौड़ा मिल गया खाने के लिए, और ये मैं खा रहा हूँ, और अभी इसके साथ कुछ और भी बन रहा है तो वो खाते हैं, और लॉकडाउन को एंजॉय करते हैं। तो रहिए हमारे साथ, वीडियो स्टार्ट अभी से ही। पुदीने की हार्वेस्टिंग देख लीजिए कैंची के साथ, और ये भी आज के खाने में इस्तेमाल होना है। ये तो पुदीना नहीं है यार, ये तो कुछ और है। यस, पुदीना ही है। ये है जी हमारा पुदीना, और खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त। चंद दिन पहले चलने वाली आंधी ने हमारी छत पे क्या गुल खिलाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और उस तूफान ने ये दीवार गिरा दी है, और मैंने अपने तौर पे इसको थोड़ा सा मरम्मत करने की कोशिश की है। ये शाम का सूरज डूब रहा है, और ये शहतूत, ताज़ा शहतूत लगा हुआ, इस तरफ पतंग उड़ रही है। मेरे इर्द गिर्द ना मुख्तलिफ घर हैं, तो इस वक्त यहाँ पे ना शाम का टाइम है, तो किसी के घर से खाने की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी सी, वाह क्या बात है। शाम का सूरज ग़ुरूब होने के बिल्कुल करीब, सूरज मज़ीद नीचे चला गया, अगले चंद लम्हों में ये ग़ुरूब हो जाएगा। जब मिस्त्री मिलेगा, अभी मुझे मिस्त्री नहीं दस्तयाब, मिस्त्री मिलेगा तो इसको फिर प्रॉपर तरीके से मरम्मत करवाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो अगली वीडियो लेकर जल्दी हाज़िर हो जाऊँगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।